चुनाव की जंग में सांवेर विधानसभा सीट से भाजपा और कांग्रेस के बीच तीसरा मोर्चा जाने के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने सोमवार को नामांकन जमा किया, जहां कार्यकर्ताओं में जोश दिखा। हाथी छाप दल यानी कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विक्रम सिंह गहलोत ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में सांवेर तहसील कार्यालय पहुंचकर दोपहर में नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में बीएसपी का झंडा लिए हैं मौजूद रहे, जहां जमकर नारेबाजी भी हुई। बीएसपी के प्रत्याशी गहलोत ने इस दौरान मीडिया के सामने कहा कि सड़क, बिजली, पानी इस चुनाव का उनके लिए मुख्य मुद्दा है, जो बीजेपी और कांग्रेस सरकार दोनों कभी पूरा नहीं कर पाए हैं। फॉर्म भरा है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप अगर जीतते तो आप जनता के लिए क्या क्या आप करेंगे? जनता के लिए मैं वो काम करूँगा जो बीजेपी कांग्रेस नहीं कर पाई। बिजली, पानी, सड़क और यहाँ की जो स्थानीय हर गांव की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती है, मैं उन समस्याओं का निराकरण करूंगा। कई गांव आज भी सड़कों से जुड़े हुए नहीं है, उन सड़कों से उन गांवों को जोड़ूंगा। कई जगह पीने का पानी नहीं है, मैं पानी पहुंचाने का काम करूंगा। और जो सड़कें धूल भरी है, कीचड़ भरी है, उनको सुधार करवाऊँगा। सर, जो हाथ रस अभी जो बरबर जो कायराना हरकतें की गई है, वो इंसानियत को भी शर्मसार करती है। और ये बीजेपी सरकारें तो चुप रहती है और कुछ प्रभावशाली लोग इस तरह के अन्याचार और अत्याचार करते हैं, दलितों पे शोषण करते हैं, मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं आप? मैं मुद्दे वही है मेरे जो कांग्रेस और बीजेपी सरकार जनता के हित के काम नहीं कर पाई है, मैं करूंगा वो। यदि आप चुनाव जीतते तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी विकास को लेकर? मेरे प्राथमिकता यही है कि यहाँ की सड़कें अच्छी हो, पानी की व्यवस्था हो, हर गांव में शुद्ध पानी पीने को मिले और खेतों को पानी मिले। सर, ये न्यूज चैनल के जरिए